हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद आए। जब प्रभास से इस सुपरस्टार ने ली कांटे की टक्कर, बॉक्स ऑफिस पर हिल गई थी सल्तनत, फीका पड़ गया था स्टारडम। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD इन दोनों बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा रही है। फिल्म अब तक देश भर में 500 करोड़ और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 900 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। आज हम आपको बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक क्लेस के बारे में बताते हैं, जिसमें प्रभास की फिल्म से टक्कर लेने की वजह से बॉलीवुड सुपरस्टार की बासाहत हिल गई थी। प्रभास इंडियन सिनेमा के एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्म के साथ कोई स्टार अपनी मूवी रिलीज करने से बचता है, लेकिन पिछले साल एक बॉलीवुड सुपरस्टार ने प्रभास को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने की कोशिश की थी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। हम जिस बॉलीवुड सुपरस्टार की बात कर रहे हैं उनका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान ने पिछले साल 2023 में बैक टू बैक 3 सफल फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया था। पठान और जवान ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर इतिहास रच दिया था, लेकिन किंग खान की तीसरी फिल्म डंकी को प्रभास की एक्शन थ्रिलर मूवी सलार से जबरदस्त क्लेस का सामना करना पड़ा था। वैसे अगर मेकर्स चाहते थे तो इस क्लेस को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाहरुख खान का भी ऐसा ही स्टारडम है कि उनकी फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर कोई भी क्लेस नहीं चाहता है, मगर साल 2023 में प्रभास के सामने शाहरुख खान का स्टारडम भी फीका पड़ गया था। एक तरफ सलार ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी तो शाहरुख खान को अपनी मूवी डंकी के कम कलेक्शन के साथ संतोष करना पड़ा था। शाहरुख खान की डंकी 21 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसका डायरेक्शन राजकुमार हिरानी ने किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, विक्रम कोचर, अनिल ग्रोवर और बोमन ईरानी जैसे सितारों ने अहम भूमिका किरदारों को निभाया था। ऐसा माना जा रहा था कि शाहरुख खान की डंकी बॉक्स ऑफिस पर जवान और पठान की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्रभास की फिल्म सालार ने डंकी के बॉक्स ऑफिस बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। प्रभास की फिल्म सालार शाहरुख खान की डंकी के ठीक दूसरे दिन यानी कि 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। रिलीज के साथ ही यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और धांसू कमाई के साथ इतिहास भी रच दिया था। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट मोनोवाला विजय वालन के मुताबिक सलार ने वर्ल्ड वाइड 724 करोड़ रुपए का ताबड़तोड़ बिजनेस किया था। इस फिल्म में टीनू आनंद, श्रुति हासन, पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू जैसे सितारे नजर आए थे। फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया था। शाहरुख खान की डंकी ने देश भर में 212.42 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वहीं दुनिया भर में फिल्म की टोटल कमाई 470 करोड़ रुपए हुई थी। अगर शाहरुख खान की डंकी प्रभास की सालार से क्लेस नहीं हुई होती तो यकीनन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई कर लेती। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।